अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे यूट्यूब चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन के होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे पहले के इंजीनियरिंग वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इंडिया में आपको हर एक प्रोफेशन देखने को मिलता है और हर एक प्रोफेशन में अलग अलग एक्सपर्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है जहां आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिलेंगे और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपर्ट मिलेंगे, और वो प्रोफेशन और कोई नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का है। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा कंट्री है विच प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स एवरी ईयर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स से एक बार किसी ने पूछा था कि यूएसए में बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी आप बाहर से एंड स्पेशली इंडिया से ही क्यों इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज को हायर करते हो। इसके जवाब में बिल गेट्स ने कहा था कि अगर वो इंडिया से इंजीनियर्स को हायर नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्द इंडिया में एक और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एस्टेब्लिश हो जाएगी। आज दुनिया की मोस्ट ऑफ द टॉप कंपनीज को इंडियन इंजीनियर्स हैंडल कर रहे। अब भले ही वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला हो या एडोब कंपनी के सीईओ शांतनु नारायण हो, और शायद इन्हीं लोगों से इंस्पायर होके आज बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे या बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते। अब ये तो होगी कुछ अच्छी बातें इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जरा ध्यान से समझे। अगर दूसरी फील्ड से कंपेयर किया जाए तो इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट बहुत से कॉलेजेस और स्टूडेंट ने ये क्लेम किया है कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ज्यादातर स्टूडेंट्स को ड्रॉप लगता है। अब बहुत से स्टूडेंट जो अपना करियर इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहते हैं, ये सब डेटा और स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या इंजीनियरिंग सच में हार्ड है। कई रिसर्चर्स ने इस चीज पे बहुत ही एनालिसिस और रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश की कि इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा क्यों है। रिजल्ट मिलने पे उन्हें दो मेन रीजन मालूम पड़े, जिसमें पहला रीजन था द ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है या तो पॉइंटर में। अब अगर स्टूडेंट्स को अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो उनके एग्रीगेट परसेंटेज 60 या 7 पॉइंटर से ज्यादा होना ही चाहिए। अब हर एक स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करता है और एग्जाम देता है, लेकिन रिजल्ट आने पे बहुत से स्टूडेंट को उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से कई टाइम मैनी स्टूडेंट इंजीनियरिंग को क्विट कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉल्ट स्टूडेंट का नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं ग्रेडिंग सिस्टम का भी है। स्टूडेंट्स को उनकी इनोवेटिव थिंकिंग और आइडिया के बेसिस पे जज नहीं किया जाता बल्कि ग्रेड के हिसाब से उन्हें जज किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को इस बेसिस पे जज करता है कि हाउ मच स्टूडेंट नो अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, जिसे शॉर्ट में एग्जाम कहते हैं। और जब ये बच्चे उस एग्जाम में मिनिमम क्राइटेरिया वाले मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते तो कई बार उन्हें लगता है कि पास होने के बावजूद दे हैव फेल इन एग्जाम, और ऐसे टाइम पे कई बार स्टूडेंट्स को ही ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फॉल्ट ग्रेडिंग सिस्टम को भी जाता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि उसके ग्रेड और मार्क्स कम आए। सर, मुझे तो पूरे ग्रेडिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है सर। ऐसा लगता है कोई कास्ट सिस्टम है, ए ग्रेड स्टूडेंट्स बादशाह, सी ग्रेड। 2006 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था माइंडसेट। उसके अंदर ऑथर ने स्टूडेंट्स को दो टाइप में डिवाइड किया था, पहला टाइप का फिक्स माइंडसेट और दूसरा टाइप का ग्रोथ माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस से खुद को जज करते हैं, मतलब अगर उनके कम मार्क्स आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड और फेलियर टाइप स्टूडेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट टाइप वाले स्टूडेंट हमेशा खुद को अपने हार्डवर्क से जज करते हैं। अगर उनके मार्क्स कम आते तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ही कम मेहनत की होगी। खुद को क्रेडिट देने की जगह वो हमेशा खुद को बेटर और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और अपनी मिस्टेक से हमेशा लेसन सीख के खुद को अच्छा प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं। और रिसर्च करने के बाद ऑथर ये भी कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, लेकिन फिर भी बचपन से हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के अंदर फिक्स माइंडसेट डाल देता है। अगर कोई बच्चा अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, भले ही रट्टा मार्क ही क्यों ना हो,
तो टीचर हमेशा ऐसे स्टूडेंट को हर चीज में आगे बनने के लिए एनकरेज करते रहती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को इन स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है और उन्हें फील कराया जाता है कि दे आर डम एंड दे कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। अब ऐसे टाइम पे ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट अपने नॉलेज पे डाउट करने लगते हैं और धीरे धीरे वो ग्रोथ माइंडसेट से फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट बनने लगते हैं और यही फिक्स माइंडसेट कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट का एक रीजन बन जाता है। दूसरा रीजन है अनइंस्पिरेशनल मेथड ऑफ टीचिंग। कोई भी चीज सीखने से पहले या सिखाने से पहले उसका एंड रिजल्ट मालूम होना बहुत जरूरी होता है, तभी कोई इंसान उस चीज को एकदम अच्छे से सीखेगा। एग्जाम्पल, आप जिम में अलग अलग बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज इसलिए करते हो क्योंकि आपको एंड रिजल्ट मालूम होता है कि ये सब एक्सरसाइज करने से आपकी एक परफेक्ट बॉडी बनेगी। आप बाइक चलाना इसलिए सीखते हो क्योंकि आपको एंड रिजल्ट मालूम होता है कि आपकी ट्रेवलिंग आसान हो जाएगी। ठीक उसी तरह कोई भी स्टूडेंट वो सब्जेक्ट एकदम अच्छे से सीखेगा अगर उसे उसका एप्लीकेशन और सब्जेक्ट को सीखने का मेन रीजन मालूम हो जाए। आज कई कॉलेजेस में मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट बस इसलिए पढ़ाए जा रहे ताकि सिलेबस कंप्लीट हो और बच्चे एग्जाम में लिख के मार्क्स स्कोर कर सके, लेकिन कोई भी टीचर ये नहीं बताता कि प्रोफेशनल लाइफ में इन सब फिजिक्स और मैथ्स फॉर्मूलों का क्या यूज है या ये थ्योरी का आने वाले टाइम पे क्या एप्लीकेशन होगा। अगर आप कोई पेंटर से उसकी पेंटिंग के बारे में पूछोगे तो कभी भी पेंटिंग के कागज या कलर के बारे में नहीं बताएगा, वो उस पेंटिंग से रिलेटेड इमोशन और मोमेंट के बारे में बताएगा जो उसने माइंड में कैप्चर करके उस कैनवास पर ड्रॉ किया है। और जब आप उस पेंटिंग को गौर से देखते हो तो आप खुद को भी उस मोमेंट्स और इमोशन से कनेक्ट करने लगते हो। ठीक उसी तरह कोई भी टॉपिक समझने के लिए स्टूडेंट के साथ टीचर का कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है और ये तभी पॉसिबल है जब टीचर बुक एग्जाम्पल की जगह प्रैक्टिकल और इजी एग्जाम्पल बता के उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश की जगह कोई और लैंग्वेज में भी उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, जो बहुत से कॉलेजेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में ड्रॉप लग जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट है एंड एट द सेम टाइम यू लव टेक्निकल सब्जेक्ट तो क्या फिर भी इंजीनियरिंग हार्ड है? अब इस चीज को मालूम करने के लिए लेट अस कंपेयर द लाइफ ऑफ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद अ नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लेक्चर 8 बजे शुरू हो जाते हैं, वहीं नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लेक्चर 9:30 या 10 o'clock से शुरू होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के हार्डली एक या दो सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले और इक्वेशन यूज होते हैं, इसलिए मैनी टाइम दे कैन बंक देयर लेक्चर। पर इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट में आपको इक्वेशंस और फॉर्मूले देखने को मिलेंगे विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इसलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट लेक्चर बंक नहीं कर सकता प्रोवाइडेड अगर उसने अलग से क्लासेस ना लगाया हो। अगर असाइनमेंट्स की बात की जाए तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं इसलिए उनके असाइनमेंट भी ज्यादा होते हैं। वीकेंड डेज पे नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वाइवा और सबमिशन की तैयारी करनी होती है। एक नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट 3 साल के बाद हो सकता है जॉब पे लग जाए, लेकिन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 4 साल बाद ही इंटर्नशिप और जॉब करने का मौका मिलता है। अब हो सकता है ये कंपैरिजन एकदम परफेक्ट ना हो, बट समहाउ दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग लाइफ इज। तो अगर आप ये सब प्रोसेस को हैंडल कर सकते हो और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना आपको फन लगता है तो आप श्योरली अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को एंजॉय करोगे। इंजीनियरिंग करके आपके अंदर एक किलर एथिक आ जाता है जिसकी हेल्प से आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ते रह सकते हो। इसलिए आप बताइए, क्या इंजीनियरिंग सच में हार्ड है? कमेंट में अपने ओपिनियन और व्यूज लिखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।